रियलमी 6 इसने मार्केट में धमाल मचा रखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रियलमी 5 का सक्सेसर है। क्या दोस्तों वाकई में रियलमी 6 धमाल मचाने लायक है? वेल, सब कुछ बता रहे हैं हम आपको इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पर। जी फ्रेंड, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँगा रियलमी 6 की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। और दोस्तों जैसा कि हमेशा ही होता है कि लास्ट में मैं अपने ओपिनियन भी बताऊँगा इस स्मार्टफोन के लिए, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे यहाँ पे Realme 6 की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और ये डिस्प्ले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पंच होल डिस्प्ले है, जहाँ पे आपको लेफ्ट में टॉप पर कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये डिस्प्ले है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। और ये डिस्प्ले आपको 19Hz रिफ्रेश डिस्प्ले मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पावर बटन में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी लगता है। वहीं दोस्तों बात करना चाहें यहाँ पे इसके बैक पैनल की, तो बैक में यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिल जाती है, ग्लास की बॉडी नहीं है, याद रखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बैक में यहाँ पे आपको साइड में 4 कैमरे का सेटअप भी देखने को मिल जाता है, व्हाइट कलर में आता है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरियंट में देखने को मिलेगा, 6GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रियलमी की एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि वो हमेशा जो सिम स्लॉट देते हैं वो माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का सिम स्लॉट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियन की ये नीड भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग सारे के सारे अपने स्मार्टफोन में एक SD कार्ड लगाना चाहते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको क्विकली यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में बता देता हूँ। बैक में यहाँ पे आपने देखा था 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 64MP का रियर सेंसर देखने को मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, 2MP का यहाँ पे आपको मोनो लेंस देखने को मिलता है, और अगेन लास्ट कैमरा 2MP का यहाँ पे आपको माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। दोस्तों रियलमी के ये 64MP क्वाड कैमरा स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बैक के कैमरे से काफी ज्यादा अच्छी फोटो आने वाली है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 16MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, और ये सेल्फी आपको लेफ्ट में पंच होल सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। क्योंकि अब जो स्मार्टफोन है वो नॉच के साथ नहीं आ रहे दोस्तों, पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको पंच होल डिस्प्ले अच्छी लगती है या नॉच अच्छी लगती है, कमेंट में बता रहा अपनी राय। 6.5 इंच की यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो बैटरी की बात करना चाहे तो यहाँ पे उन्होंने दी आपको 4300mAh की बैटरी, और ये बैटरी मैं आपको बता दूँ 13W के फास्ट चार्जर के साथ आती है। और कंपनी का क्लेम है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 1 घंटे में अगर आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, तो अच्छी बात है दोस्तों, बैटरी के मामले में भी काफी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहां पे याद रखना दोस्तों, 1 घंटे में आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इसके बिगेस्ट फीचर्स के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो वाला G90T प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोसेसर। मतलब अगर आप अपने स्मार्टफोन में गेमिंग करते हैं, कितनी भी हाई लेवल की गेमिंग करते हैं, गेमिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये हीलियो का मीडियाटेक वाला G90T प्रोसेसर ये स्पेशली गेमिंग लवर के लिए ही बनाया था। तो मतलब अगर आप गेमिंग लवर है तो आप याद रखिए कि आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये तो रहा दोस्तों इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब बात करो दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं 4GB 64GB वाले वेरिएंट की कीमत है वो 12,999 पर है, वही 6GB 128GB वाले की कीमत है वो 14,999 पर है, वही दोस्तों 8GB 128GB वाले वेरिएंट की कीमत रखी गई है वो 15,999 रुपये है। मतलब आप इसका अगर टॉप मॉडल खरीदना चाहते हैं तो आपको 16,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और हाँ दोस्तों इसकी सेल स्टार्ट हो गई है, अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आता है तो परचेज कर सकते हैं। लेकिन परचेज करने से पहले अब दोस्तों मैं आपको अपनी ओपिनियन बताना चाहूँगा। तो इस स्मार्टफोन के लिए तो अगर आप 15 से 16,000 रुपये इस स्मार्टफोन के लिए पे करोगे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ 15 से 16,000 रुपये
डिस्प्ले में आपको रियलमी एक्स टू देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको एस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैं आपको बता दूँ बैक और फ्रंट दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3K प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। वहीं बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे अपग्रेड करना चाहिए था। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस स्मार्टफोन के लिए, बाकी दोस्तों आप समझ सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको हम बता दें कि हमने टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो बनाई थी, जो कि मार्च में कौन से आपको देखने को मिलेंगे। उस वीडियो में हमने इस स्मार्टफोन के बारे में भी बताया था दोस्तों। तो देखिए ये स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देखिए हमारी जा करके, और उस वीडियो पर प्यार दीजिए और पता करिए कि कौन से स्मार्टफोन आपको मार्च में और देखने को मिलने वाले हैं। चलो दोस्तों इस वीडियो में पसंद आए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को फैला दो दोस्तों के साथ, फैला जरूर देना ताकि आपका कोई दोस्त फंस ना जाए इस स्मार्टफोन के लिए। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।